अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में, और स्कर्दू में आज से बर्फ़बारी शुरू हुई है। सो ये सर्दियों की आमद का एक निशानी है। सो आज तारीख क्या है, आज नवंबर 14 से बर्फ़बारी आना शुरू हो गया है। तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बर्फ़ आने के बाद लोग कैसे एंजॉय करते हैं और यहाँ का माहौल जो है कैसा होता है। सो आइए करते हैं हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट। सो चलें। तो ये हो गया जी स्कर्दू का मौसम। आज पूरा दिन छाया हुआ है, बर्फबारी शुरू हुई है और पिघल कर पानी बन रहे हैं। अभी सतह जो है थोड़ा सा गर्म है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बर्फ़ तो आ रही है लेकिन वो पिघल के पानी बन रही है। तो तकरीबन बर्फ़ आ गई है 1 इंच, देख सकते हैं कि यहाँ से हो रही है लेकिन अभी भी बर्फ़ आ रही है। तो बर्फ़ जब आता है तो हम ऐसे गोले बनाते हैं, ये देखिए इस तरह बना के कुछ बनाया जाता है, फिर वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक ये यहाँ से सेब नहीं उतारा हुआ है, तो अभी हम इसको उतारने की कोशिश करेंगे। ये रहा क्या, मैं तो छोटा बढ़ रहा हूँ इधर लेने के लिए, इसके लिए कुछ नया ट्रिक आजमाना पड़ेगा, इसके बाद उसको उतारना पड़ेगा। सो हम जाएंगे ऊपर, यहाँ से हम हाथ लगाएंगे आराम से इसको। ये रहा जी हमारा सेब, अभी सर्दी आ गया है और फिर भी हमारे यहाँ सेब मिल रही है, देखते इसको हम धोएंगे, इसको बाद खाएंगे। आप देख सकते हैं बर्फ जो है हमारे दरख्त खुबानी के दरख्त पे आ गए हैं, और सारा का सारा ये देख लें किस तरह नज़ारा है। तो इतने सर्दी में भी हमें सेब मिल रही है, चलिए इसको धोते हैं फिर खाते हैं। लो जी हमने खाना स्टार्ट कर दिया जी, सेब बहुत ही टेस्टी है। तो अभी हम निकले हैं जी बाज़ार के लिए। गली में जो है बर्फ़ आने की वजह से कीचड़ होने लगी है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत स्लाइडी है, यहाँ से फिसल भी सकते हैं, सो आराम से जाना पड़ेगा। तो अभी
खाने तक हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है। ये हमारा मामू का बेकरी है, तो यहाँ पर हम रहेंगे और मैं और तनवीर यहाँ रहूँगा, यहाँ पर सेल करूँगा जितने भी चीज़ें हैं उनको। सो तब तक यहाँ पर रुकते हैं। तो ये जी हमारा स्कर्दुशेर, ये ट्रसमथन एरिया पे ये रोड है और आप देख सकते हैं कि बर्फबारी हो रही है, लेकिन सब अपने काम पे जा रहे हैं, कोई बाइक लेकर तो कोई कार लेकर। और तलकोल लगाया हुआ है, उसकी वजह से जो बर्फ आ रही है वो आके नीचे पानी बन के ख़त्म हो रही है, तो ये गर्म चीज़ है। और बाकी जो ज़मीन पे है ये इधर देख सकते हैं बर्फ जो है जम इकट्ठे हो रहे हैं और तकरीबन 2-3 इंच आई है बर्फ। अभी और भी आने का इम्कान है क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं कितना ठंडा मौसम है। जोरों पर है और बहुत ठंड लग रही है और जो बैटरी है उसका सपोर्ट बहुत कम हो रही है क्योंकि सर्दी बहुत है, तो उसकी वजह से जा रहे हैं हमारे दोस्त के लिए हॉस्टल लेते हैं, उसके जाना है उनसे मिलना है, तो वहाँ जा रहे हैं। वो रहा वो सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग है उस पर हमारा जो दोस्त है वो रह रहे हैं और इसको हम जरा इस तरह की कोई शर्रत करते हैं। तो ये है जी सर्दियों का इलाज, भले और समोसे उनको खाने के बाद जिसम गर्म रहता है, सो हमने सोचा कि है पी लें थोड़ा सा ताकि गर्म हो सके, बहुत सर्दी है उसकी वजह से। ये देखें इस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें मिर्चियाँ बहुत लगाई जाती है ताकि जिसम गर्म रहते हैं, तो आप लोगों को पता है। तो नाजरीन अभी हम पी रहे थे पहले, तो अभी जो ढाबा था वो कोई हमारे फीमेल हजरात उसको चला रही थी, तो पहले हम गए तो सोचा ये सिर्फ फीमेल के लिए होगी, लेकिन नहीं ये ऑल ओवर था। तो ये ऊपर जो बैकवर्ड देख सकते हैं वो है इनका होटल और यहाँ पर लजीज लजीज भले समोसे पकोड़े वगैरह मिलते हैं। तो जब भी आप स्कर्दू आए यहाँ पर तशरीफ लाए, तो एक ख़ुशी की बात ये हुई कि हमारी जो फीमेल हजरात है वो भी अब से मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है और अपने घर बार चला रही है। सो बहुत टेस्टी था वाले और समोसा दोनों हमने खाया और पिया, मज़ा आ गया। सो चलें आगे। तो अभी जो है बर्फ़ आना ख़त्म हो गया है, आसमान आप देख सकते हैं कि बादल जो है हटने लगी है। अभी हम लोगों ने जाना है हमारे बेकरी में, वहाँ पर हम बैठेंगे थोड़ा सा काम शाम करेंगे और फिर घर जाएंगे, घर जाने के बाद खाना खाएंगे, इसके बाद हो सके तो हम घूमने जाएंगे। तो ये मैं आया हूँ अभी इस स्कर्दू में तकरीबन 1 साल बाद, तो सही काफ़ी चेंजिंग हुआ है और बहुत तरक्की किया है माशाल्लाह से।